हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में अपन बात करेंगे 1861 to 65, जिसमें अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया गया था। तो उस टाइम पे इंडिया पे क्या असर हुआ, इंडिया की इकोनॉमी पे एंड यहाँ के जो रैयत लोग थे उनको क्या परेशानियाँ और क्या उस टाइम देखना पड़ा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो गाइज, होता क्या है, 1857 में इंडस्ट्री एक ओपन हुई इंग्लैंड में कपास रिलेटेड। तो गाइज, इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमेरिका से और पूरी दुनिया से कपास इंपोर्ट किया करता था, लेकिन 1860 के बाद जैसे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो वहाँ से जितना भी कपास का एक्सपोर्ट है वो पूरा बैन हो जाता है। तो इंग्लैंड को इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि इंडिया कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी, यहाँ की जो भूमि थी वो कपास उगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, खासकर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। तो गाइज, होता क्या है, उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटिश जो रहते हैं वो यहाँ के ज़मींदार को इजाज़त दे देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, आप अग्रिम जो राशि है वो भी दो, ताकि कृषक यहाँ के रैयत लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा कपास की पैदावार करें, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो सेम यही होता है गाइस, 1865 तक यहाँ के जो कृषक लोग रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक आश लगती है कि वो कुछ ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। और हाँ, हालात उस टाइम पे हल्के फुल्के सुधरे भी थे, लेकिन यहाँ के जो किसान थे वो ये नहीं समझ पाए और वो लोन पे लोन लेते गए। और ये बात तो हकीकत है गाइस कि यहाँ के जितने ज़मींदार लोग थे वो कृषकों से ही रुपए कमाने के लिए फर्जी दस्तावेज, साइन वगैरह जो भी आप कह लें वो कराते थे और एक तरह से उन्हें ट्रैप कर लेते थे रैयत लोगों को, और इन फ्यूचर हमेशा के लिए उनको गुलाम बना लिया करते थे। होता यही है कि कृषक लोग, रैयत लोग अपना जो ऋण लिए रहते हैं वो चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि 1865 तक आते आते अमेरिका का गृह युद्ध बंद हो चुका था, समाप्त हो चुका था, और ग्रेट ब्रिटेन जो 90% इंडिया से कपास आयात कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था यहाँ से, वो बंद कर देता है। तो यहाँ के जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, बहुत सारे तो अमीर हो जाते हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे रहते हैं जो अपना लोन नहीं चुकता कर पाते, और काफ़ी सारा विद्रोह भी होता है। तो आगे आने वाले और क्या घटनाएँ रहती हैं और उसके बारे में डिटेल में अपन आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक्स लॉट गाइज़।